रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत सोनहर गांव में बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी उपस्थित हुए। बुद्ध विहार कल्याण संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बौद्ध संतों ने गौतम बुद्ध के आदर्श तथा उनके उपदेशों की चर्चा की तथा कहा कि आज भी गौतम बुद्ध हम सबके बीच प्रासंगिक हैं। उनके बताए ज्ञान पूरे दुनिया को शांति, सुख, अमन, चैन का रास्ता दिखा रहा है। सोनहर गांव में इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आयोजन के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य यही है कि हम मनुष्य एक जीवित प्राणी हैं और एक मनुष्य होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुष जिनके उपलक्ष में आयोजन किए, जिनका नाम भगवान बुद्ध है, जो विश्व के लोग इनको विश्व गुरु के नाम से भी जानता है और विश्व गुरु थे भी, और इनका उद्देश्य वही था कि मानव हित में जो भी कार्य हो मानव हित में हो। और हमारा सोच है कि फिर से भारत हमारा सोना का चिड़िया और विश्व गुरु की उपाधि लेगा। वह तब जब हमारा भारत एक समतामूलक व्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर होगा। यही हमारा सोच है कि हम लोग हर साल इस तरह से आयोजन करके लोगों को एकजुट करा करके अच्छी विचार दे, जिससे कि मानवता फिर से जाग उठे। जो मानव के अंदर आज दानवीय शक्तियाँ उत्थान मचा रही है, वो उसका पतन हो, नष्ट हो, फिर से एक अच्छा विचार मानव के अंदर पैदा हो, जो मानव हित के लिए कुछ कर सके।